Hello everyone. Last time we have seen the problem based on the how to calculate the 4-point DFT using the FFT flow graph, DIT FFT flow graph. Now let us see the DIT FFT flow graph for n equal to 8. Okay, DIT FFT algorithm for n equal to 8. Yeah, flow graph for n equal to 8. Now x of k is equal to flow graph. For n equal to 8, DIT FFT flow graph for n equal to 8. DIT FFT equations or algorithm will be this one: x of k is equal to g of k plus wn raised to k into h of k. Okay, where g of k is what it is, n by 2 point DFT of x of n. N by 2 matlab 4 point DFT of x of n abhi. 4 point DFT of x of 2r. Sorry, x of 2r. इवन सैम्पल वैल्यू अभी 8-point सीक्वेंस है तो उसमें कितना इवन सैम्पल वैल्यू रहेगा 4 ऑड सैम्पल्स कितना रहेगा 4 तो इसलिए 4-point DFT आएगा 4-point DFT ऑफ x ऑफ 2r 4-point DFT ऑफ x ऑफ 2r प्लस 1 ओके लाइक दिस देन मतलब अभी यहाँ पे g ऑफ k DFT ऑफ x ऑफ 0 g ऑफ 0 रहेगा g ऑफ 0 g ऑफ 1 g ऑफ 2 g ऑफ 3 ये h ऑफ 0 h ऑफ 1 h ऑफ 2 h ऑफ 3 सपोज जी ऑफ 4 जी ऑफ 0 जी ऑफ 1 जी ऑफ 2 जी ऑफ 3 जी ऑफ 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर से जी ऑफ 0 जी ऑफ 5 जी ऑफ 6 जी ऑफ 7 ऐसा पीरियोडिसिटी ओके तो अभी ये इक्वेशन से हम लोग डी एफ टी ऑब्टेन करते हैं ओके जी 0 से लेकर एक्स ऑफ 0 एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू जी 0 प्लस डब्ल्यू एट रेस टू 0 इंटू एच ऑफ 0 डब्ल्यू एट रेस टू 0 इज 0 x of 1 is equal to g of 1 w raised to 1 into h of 1 okay g x of 2 is equal to s sub of 10 kya 8 equations of 10 kya isn't it 8 equations only g of 3 ke baad g of 4 hai g of 4 is nothing but g of 0 g of 5 is nothing but g of 1 g of 6 g of 7 similarly h of 4 is nothing but h of 0 because of periodicity property okay like this नाउ डेसिमेशंस कैसा होगा डेसिमेशंस टाइम डोमेन में कैसा होगा अभी फ्लो चार्ट निकालते वक्त डेसिमेशंस कैसा होगा तो डेसिमेशन इन टाइम एज फॉलोस सपोज नंबर आए 0 से लेकर 7 तक उसका बाइनरी इक्विवेलेंट विल बी दिस वन है बिट रिवर्सल टेक्निक से हम लोग डेसिमेशंस करते हैं मतलब ये जो 000 है उसको उल्टा लिखा तो 000 एंड बिट रिवर्सल करने के बाद ये नंबर क्या बन गया 0 अभी 001 है इसका बिट रिवर्सल किया उसको उल्टा लिखा तो 100 अभी कितना बन गया है पहले ये 0 था 1 था आफ्टर बिट रिवर्सिबल इट विल बिकम 4 हो रहा है दिस इज 2 आफ्टर बिट रिवर्सिबल 2 ही रहेगा 011 है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो 110 6 हो गया 4 है तो ये कितना हो गया 1 हो गया 101 101 ही रहेगा 110 011 हो जाएगा ओके तो 3 है वो 111 ओके तो इसका मतलब अभी जब टाइम डोमेन में डेसिमेशंस करेंगे तो ऐसा लिखेंगे एक्स ऑफ 0 एक्स ऑफ 4 एक्स ऑफ 2 एक्स ऑफ 6 एंड देन एक्स ऑफ 1 एक्स ऑफ 5 एक्स ऑफ 3 एक्स ऑफ 7 लाइक दिस ओके 0426 देन 1537 मतलब ये चार इवन सैंपल है ना तो चार इवन सैंपल को ऐसा लेना है आप लोगों 0246 के जगह पे 0426 इसका इंटरचेंज करना है वैसे यहाँ पे 1357 रहता है ना तो ये बीच वाले दो नंबर है उसका इंटरचेंज करना है 1537 ऐसा isn't it ओके एंड द फ्लो चार्ट्स विल बी लाइक दिस थ्री स्टेज में हम लोग 8-point DFT निकलता है दिस इज अ स्टेज वन जो कि 2-point DFT निकालते हैं हम लोग स्टेज वन में ओके स्टेज टू में हम लोग 4-point DFT निकाल रहे हैं इन स्टेज टू दिस इज अ 4-point DFT मिल रहा है इधर 2-point DFT मिल रहा है एंड स्टेज थ्री में हम लोग को 8-point DFT मिलता है 8-point DFT लाइक दिस ओके तो ये 2-point DFT कैलकुलेट करेगा इसका रिजल्ट जो आएगा आप लोग का वो यहाँ पे 4-point DFT मिलेगा एंड इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो 8-point DFT मिलेगा सो थ्री स्टेजेस में आप लोग को 8-point DFT मिलेगा ओके सो कितना लाइन लगेगा 8-point DFT है मतलब 8 लाइंस लगेगा
सो ये ऐसा 8 लाइन ड्रॉ किया हम लोगों ने। जनरली इसको हॉरिजॉन्टल पेज कंसीडर करने का, वर्टिकल नहीं। ओके, तो ऐसा 8 लाइंस निकाला हम लोगों ने। दो लाइन का बटरफ्लाई यहाँ पे, चार दो लाइन का बटरफ्लाई, मतलब 8 पॉइंट DFT वैलिड करना। कैसा कर रहे हैं हम लोग, 2 पॉइंट DFT 4 टाइम्स ही वैलिड कर रहे हैं। 2 पॉइंट DFT, 2 पॉइंट DFT, 2 पॉइंट DFT, 2 पॉइंट DFT, ये दो 2 पॉइंट DFT को कंबाइन कर रहे हैं हम लोग, एंड फिर यहाँ पे मिल रहा है 4 पॉइंट DFT। ये दो 2 पॉइंट DFT को कंबाइन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मिल रहा है दूसरा 4 पॉइंट DFT। ये दोनों 4 पॉइंट DFT जो है उसको कंबाइन कर रहे हैं हम लोग, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 8 पॉइंट DFT। समझ आ रहा है? ओके, पहले 2 पॉइंट DFT, 2 पॉइंट DFT, ये 2 पॉइंट DFT एंड ये 2 पॉइंट DFT दोनों कंबाइन किया तो आपको मिला 4 पॉइंट DFT। दिस 2 पॉइंट DFT एंड दिस 2 पॉइंट DFT कंबाइन किया, यू विल गेट दिस 4 पॉइंट DFT। तो इधर एक 4 पॉइंट DFT, इधर एक 4 पॉइंट DFT, ये 4 पॉइंट DFT एंड ये 4 पॉइंट DFT कंबाइन किया तो आपको मिला यहाँ पे 8 पॉइंट DFT। इज इट? समझे ना? ओके, अभी यहाँ तक तो अपना पहला 4 पॉइंट DFT का ये फ्लो चार्ट है ही। ये एक 4 पॉइंट DFT का फ्लो चार्ट है, तो ये दो, ये 4 पॉइंट DFT, ये 4 पॉइंट DFT, एज इट इज जैसा पहले किया था हमने। फिर ये मल्टीप्लायर रहा यहाँ पे आ गया 8 पॉइंट DFT में, W8:0, W8:1, W8:2, W8:3। ये कैसे आ गए, कहाँ से आ गए? तो ये इक्वेशन के हिसाब से आ गए, ये इक्वेशन के मल्टीप्लायर है इधर फीडल। ओके, उसके हिसाब से आ गए। ओके, तो W8:0 इनका वैल्यू ही है, W8:0, W8:1, 2, 3 का वैल्यू ही है। एंड देन ये रिजल्ट इधर आएगा, सॉरी ये 4 पॉइंट DFT और ये 4 पॉइंट DFT कंबाइन करके हम लोग 8 पॉइंट DFT ऑप्टेन कर रहे हैं। इज इट? मतलब ये पहला 4 लाइन नीचे आएगा, ऊपर नेक्स्ट 4 लाइन ऊपर जाएगा ऐसा, ठीक है। एंड द लास्ट 4 लाइन पे यहाँ पे ऐसा -1, -1, -1, तो ऐसा रहेगा। Isn't it? Understand? Yes. ये नहीं है। ओके, ये यहाँ तक है। तो ये जो बटरफ्लाई दिख रहा है आप लोगों का पहला, ये 5 लाइन का बटरफ्लाई है। ओके, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन का बटरफ्लाई। ऐसा नहीं भी ख्याल में रखते हैं, बस 5 लाइन का बटरफ्लाई लास्ट लाइन में माइनस हो, या तो ये 4 लाइन ऊपर कनेक्ट करो, 5 से लेकर 8 तक का लाइन ऊपर कनेक्ट करो 1 बाय 1, 5, 6, 7, 8, एंड ये ऊपर का लाइन जो नीचे करो। ओके, 1 वाला 5 को कनेक्ट करना है, 2 वाला 6 को कनेक्ट करना है, 3 वाला 7 को कनेक्ट करना है, 4 वाला 8 को कनेक्ट करना है। लास्ट 4 लाइन को आपको -1 मल्टीप्लायर लगाना है, लास्ट 4 लाइन को। इसमें लास्ट 2 लाइन को मल्टीप्लायर था, इधर लास्ट 1 लाइन को मल्टीप्लायर था। इज इट? ओके, दिस इज़ अ 8 पॉइंट DFT का फ्लो चार्ट है। अभी इसका एक प्रॉब्लम हम लोग कैलकुलेशंस के लिए लेंगे, लेट अस सी वन प्रॉब्लम। ओके, तो दिस इज अ प्रॉब्लम, फाइंड DFT मैक्सिमम टाइम एग्जाम में 8 पॉइंट DFT का ही आप लोगों 10 मार्क्स के लिए पूछते हैं। फाइंड द DFT ऑफ 8 पॉइंट सिक्वेंस यूजिंग DITA50 एल्गोरिथम ऐसा। ओके, तो पहले आप लोगों एल्गोरिथम का इक्वेशंस देना है, देन ये इक्वेशन इसको एक्सपांड करके ऑब्टेन करना है, फिर फ्लो चार्ट ड्रॉ करना। ओके, ये फ्लो चार्ट ड्रॉ किया हम लोगों ने, फ्लो चार्ट कैसा ड्रॉ किया हम लोगों ने एक्सप्लेन किया आपको। अभी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो ये X0 का वैल्यू 1 है, X4 का वैल्यू, ये X0 है, तो X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 ऐसा वैल्यू इधर एंटर करने का। इसके सामने X0 है, X1 इधर आ रहा है, X2 इधर आ रहा है, ऐसा एंटर करते हैं। ये एंटर कर दिया, ये केयरफुली एंटर करना है, इधर गड़बड़ किया तो फिर आप लोग का रिजल्ट भी गड़बड़ आएगा। इजंट इट? सो दिस इज हाउ टू एंटर वेरी केयरफुली। ओके, वंस यू एंटर इट, एज वेल जैसा पहले किया था हम लोगों ने, ये दोनों का एडिशंस करते तो 5 हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शंस करते तो -3 हो जाएगा। ये सबके लिए वैसे ही किया, ये रिजल्ट है बेटा। 1 है इंटू -j इज -j, हियर इट इज 3 है इंटू -j इज -3j हो गया, देन दिस 5 + 5 = 10 हो गया, देन हियर इट इज -3 एंड इधर से जाएगा -j, तो -3 - j, दिस इज 5। ओके, एंड ये -5, तो इट विल बिकम 0, दिस इज -3,
and this will become plus j. Okay, then similarly here 5 plus 5 is 10, aisa same waise hi hai. Abhi this 10 multiplied by w at rest to 0, w at rest to 0 ki value 1 hai, to ye ho gaya 10. Abhi minus 1 minus 3j multiplied by w at rest to 1, minus 1 minus 3j मल्टीप्लाइड बाय दिस. अभी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स मोड में करने का, कैलसी में कॉम्प्लेक्स मोड में जाना है आप लोगों को. अरे दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, माइनस वन माइनस थ्री जे मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, दोनों का रिजल्ट आएगा जो यहाँ पे लिखना है आप लोगों को. तो दोनों का रिजल्ट ही आ रहा है माइनस 2.828 माइनस 1.414j. ओके, फिर जीरो मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू एट रेस टू जीरो जीरो ही रहेगा. फिर ये और इसका मल्टीप्लीकेशन डब्ल्यू एट रेस टू थ्री का जो कि यहाँ पे लिखा. ओके, एंड देन ये इधर से 10 आ रहा है, इधर से भी ये 10 है, 10 प्लस 10 20 हो गया. देन हियर इट इज़ माइनस 3 प्लस माइनस जे, एंड ये दोनों का एडिशंस यहाँ पे होगा. फिर दोनों का कैल्सियम एडिशंस करने का, इधर लिखने का, इधर से 0 आ रहा है, इधर से भी 0 आ रहा है, तो ये 0 रहेगा. ओके, यहाँ पे ये माइनस 3 प्लस जे इधर से आ रहा है, इधर से ये सिग्नल आ रहा है, दोनों का एडिशंस करके इधर लिखना है. ओके, दिस पॉइंट पे दिस सिग्नल्स 10 एंड इधर से आ रहा है आप लोग का माइनस 10, तो ये हो जाएगा 0. ओके, ऐसा करके ये कैलकुलेट करने का है. ओके, एंड देन यू हैव टू राइट दिस एज एक्स ऑफ के, दिस इज एक्स ऑफ के, उसको एक्स ऑफ के करके लिखा हम लोग. ओके, सो दिस इज 8 पॉइंट DFT. ओके, वन मोर प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व करके दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7. ओके, यूजिंग डी आई टी एफ एफ टी एल्गोरिथम. सो पहले इक्वेशन ऑफ टेन की है, देन फ्लो चार्ट ड्रॉ किया एंड फ्लो चार्ट पे कैलकुलेशंस करना है. तो ये कैलकुलेशन जो है ये आपको करना है, इसका होमवर्क आपको. ओके, एंड इसका रिजल्ट क्या आता है मुझे बताना है. ठीक है, एंट्री करना है सब फ्लो चार्ट पे. And show me the what is x of k, 1 2 3 4 5 6 7 का DFT क्या आएगा. ओके, यस, चलो, सी, थैंक यू.